डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कार्यक्रम आयोजन समिति की आवश्यक बैठक। उपखंड कार्यालय परिसर स्थित तहसील सभागार में आज उपखंड अधिकारी चंपालाल जी नागर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस अवसर पर एसडीएम श्री चंपालाल जी नागर ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का सच्चा सपूत बताते हुए इस तरह के आयोजन की सराहना की एवं आयोजन समिति के सदस्यों को बधाई दी। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जे एम जैन ने की, जबकि वरिष्ठ पत्रकार भजन जिज्ञासु बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी 28 जुलाई को विवेकानंद सर्किल स्थित कम्युनिटी हॉल में डॉक्टर कलाम की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले भव्य श्रद्धांजलि संगोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। को प्रेरित करने के लिए हर धर्म हर जाति हर मजहब के लोगों को प्रेरणा देते हुए खूब सारी बातें पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आईआईटी शिलांग में वो आईआईटी शिलांग में आईआईटीज को वो लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको लेक्चर दे रहे थे। वही उनकी तो आप देखिए कि आदमी की जो है वो जीने की ललक और जीवन कैसे जिया जाए। राष्ट्रपति बनने के बाद में भी जो है वो रिटायर्ड होने के बाद में उन्होंने साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते और जगह जगह लेक्चर देते हुए उनका जो है वो पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था, पूरे युवाओं के लिए समर्पित। उन्होंने एक बहुत जोरदार जो है बात है, आपको उस बात को सुनकर जो अपने आपको गर्व होगा, वो कहते थे कि कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बरसात आती है, तो बरसात आती है तो जितने छोटे छोटे घने घने परिंदे होते हैं वो परिंदे जो है वो अपने अपने छोटे छोटे घोंसले घरों से कहीं की दुर्गा की छुप जाया करते हैं, वेट करते हैं कि कब ये परेशानी जो है वो कब जो है बरसात बंद हो कब हम लोग। परंतु एक पक्षी जो बाज होता है है कि जिन बादलों से बरसात हो रही है इन बादलों के ऊपर और आकाश है, वो उड़ता है ऊंची जो है वो उड़ान भरता है और बादलों के ऊपर चला जाता है जहां बरसात नहीं आती। ऐसे बाज बने तो मुश्किलों से घबरा कर डूबते नहीं, आप उन कठिनाइयों को जीते और ऐसे बाज बने, ये उन्होंने युवाओं को जो है चीजें दी, देशवासियों को चीजें दी। ऐसी चीजें जो है वो या तो अपन लोग देखते हैं कि प्राचीन जमाने में, मैंने कहा कि या तो जो है वो पैगंबर साहब मोहम्मद साहब ने कही होगी और ऐसी बातें या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कही होगी और ऐसी बातें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने कही होगी, राम और कृष्ण भगवान ने भी ऐसी बातें की होगी, इसलिए उनको पूरा लगता है। आने वाला समय जो है रस करेगा कि हमारे हिंदुस्तान भारत में जो है वो एक ऐसी संख्या हुई थी जिन्होंने बातों बातों में इतना जो है कुछ कह डाला। जब कभी आपको समय लगे आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि कलाम साहब की बेहतरीन जो है डायलॉग या उनकी बेहतरीन बात है, ये सब चीजें आपको ये जो है दो तीन बातें अपन लोगों ने कलाम साहब के जो है जीवनी से संबंधित पढ़ी है सुनी है,